वी आर सिटीजन प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य है कि बच्चे कैसे सक्रिय नागरिक बन पाए, कैसे वो अपने मूल्यों को, अपने अधिकारों को समझ पाए और संविधान को जानते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। सक्रिय नागरिकता सिनर्जी संस्थान इस तरह से देखता है कि हर एक बच्चा, हर एक किशोर, हर एक युवा अपने आप को, खुद को समझ पाए और अपने फुल पोटेंशियल को बाहर निकालते हुए अपने आसपास का जो भी क्षेत्र है, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, गांव हो, तो वहाँ पे वो अपने स्टैंड कैसे ले सकता हो, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है जो 6 to 10 तक के बच्चों के लिए है। बेसिकली ये पूरा एक करिकुलम है जो स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हम उसको खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, अलग अलग बैनर्स, पोस्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र हमने जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा नाटक किया था जिसमें 2 ग्रुप डिवाइड किए थे अलग अलग और उन्हें मतलब चुनाव लड़ना था। उससे हमने सीखा कि जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है और उसमें लोगों की सहभागिता कितनी होती है, कितने लोग खुद से चुनना चाहते हैं अपना नेता। हमारे यहाँ हाई स्कूल फुलडी में सिनर्जी संस्थान ने जब सबसे पहले आया तो एक बाल कैबिनेट बनाया। बाल कैबिनेट की हमने पहले सुना तो था परंतु उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। किसी को जल का विभाग बांटा, किसी को सफाई का विभाग बांटा, ये सब अपना काम बांट करके और अच्छे तरीके से करते रहे और एक दूसरे का साथ देते हुए बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह उन्होंने काम किया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा तो सिनर्जी संस्थान के साथ में हाई स्कूल फुलड़ी का। और टीचर्स भी जो बाकी हमारे स्टाफ हैं उनका भी कहना है कि बहुत अच्छी तकनीकें लेकर के आते हैं। हमारे टीचर्स भी उसमें थे, हमारे जो सेशन हो रहे तो उन लोग ने देखा कि वो जो उनका तरीका है समझाने का संविधान को, लोकतंत्र को, नागरिक शास्त्र को, वो किताबी भाषा से हटकर थोड़ा अलग है। मतलब खेल खेल में बच्चे सीख भी जाते हैं और उन्हें बहुत काफ़ी टाइम तक याद भी रहता है वो, तो उनको वो बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया। तो इस कार्य के दौरान एक अच्छा फैसिलिटेटर मॉड्यूल बिल्ड हुआ है, कई सारे अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से इस पर फीडबैक लिया है और उसको और बेहतर किया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने भी इस मॉड्यूल को रन करके देखा, उन्हें काफ़ी पसंद आया ये मॉड्यूल। बच्चों में काफ़ी बदलाव आया है, बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ाने की डिमांड करने लगे हैं, सवाल पूछना शुरू किया बच्चों ने, बच्चों का डर काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन बच्चे अब कर रहे हैं, इवन अपने घर में भी सवाल करना उन्होंने शुरू किया है। तो एक तरह से यूँ कहें कि जो बच्चे एक्टिव सिटीजन बने उस तरफ बच्चों ने बढ़ना शुरू किया है। स्कूली व्यवहार भी चेंज हुआ है उनका, स्कूल में जो पहले व्यवहार था वो व्यवहार जो है अब नम्र भी हुआ है और दृढ़ भी हुआ है। मतलब जो मूल्य उनके हैं उनके प्रति वो दृढ़ हैं और व्यवहार करने में नम्र है, अपना स्कूल और अपना परिवार के प्रति वो जिम्मेदार बने। ये कुछ बदलाव मैंने उनमें नोटिस किए हैं बच्चों में और ये बदलाव छोटे छोटे तो हमें लगते हैं बच्चे में, लेकिन जब वो बड़ा नागरिक बनता है उनमें ये चीज़ें यदि पूरी पल्लवित और पुष्पित रूप से हों तो ये मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा नागरिक मेरे ख्याल से वो माना जाएगा। जब एक पूरा साइकिल हमारा पूरा पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, संविधान मेला। संविधान मेला हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अब तक हमारे बच्चों ने जो भी सीखा है, जो भी जाना है, जिसमें बच्चे संविधान को कैसे गाते हैं, कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको वो कैसे बाकी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मान मेरा सम्मान मेरा, मान मेरा सम्मान मेरा, इससे चले भारत देश मेरा, इससे चले भारत देश मेरा, संविधान।